वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो गाइस। आज का इस वीडियो में आप लोग को मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जो कि कार का जो फोर व्हील गाड़ी जो है कार है फोर व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया है और उसका जो बिल्कुल चलने का कंडीशन में नहीं है तो उसे जेसीबी से कैसे उठा करके कहीं साइड में लेके जाएगा इसके बारे में बताएंगे। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना ताकि मेरा आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस इसी वीडियो में मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कैसे आप लोडर से पिकअप को लोड कर सकते हो, यानी कि लोडर से मिट्टी को आप काट के कैसे लोड कर सकते हो इसके बारे में भी बताएंगे। तो गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो में ना टाइम ले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस इस वीडियो में मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक कार का एक्सीडेंट हो चुका है और इसका इतना बुरा कंडीशन है ताकि वो खुद से चल के नहीं जा सकता, इसीलिए जेसीबी मंगवाया गया है और इसको जेसीबी के मदद से इसको साइड में रखा जाएगा। तो गाइस जैसा कि मैं इसका प्रोसेस बता दूँ, चारों साइड से पट्टा को डाल दिया गया है और एक जगह उसको लोडर का दांत लगा करके पट्टे में और उसको उठा करके उसको हौली हौली कैसे साइड करेंगे इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगा। यह वीडियो हालाँकि अपलोड करने का कोई खास वजह यह है कि अगर आप लोगों के सामने अगर ऐसा अगर कोई सा काम आ जाता है, कोई सा गाड़ी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाता है, वो गाड़ी चलने का कंडीशन में नहीं होता है तो कैसे आप लोग इसे उठा करके लेके जाओगे, इसीलिए मैं यह वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसा कि गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि चारों साइड से पट्टे मतलब बांध करके चक्का से जोड़ करके ऐसे मतलब चक्का साइड से पट्टे को बांध करके लोडर का दांता में लगा करके और इसको मशीन से देख सकते हो कितना हौली 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 आराम से लेके मशीन को लेके मतलब मशीन को आगे बढ़ा रहा है और कार जो है बिल्कुल सेफ से जा रहा है। हालाँकि यह कार का कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूँ यह जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ यह अदर कंट्री का है, जैसा कि अपना पड़ोसी मुल्क का है, पाकिस्तान का वीडियो है ये, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में यह शेयर किया हूँ ताकि आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए, आप लोग भी कर सकते हो। गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँ यह भी वीडियो जो है ये भी वीडियो पाकिस्तान का ही है, यानी कि मैं आपको बता दूँ अदर कंट्री का ही है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे दीवार को तोड़ करके लोडर से जो पिकअप होता है छोटा छोटा हाथी जिसे आप लोग बोलते हो उसमें इसको लोड किया जाएगा। गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कैसे लोड करने का प्रोसेस है यह वीडियो में आप लोग देख सकते हो हौली हौली लोडर को खोला जा रहा है, खोलने के बाद देख सकते हो खोला और उसके बाद बैक लिया मशीन को। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे लोडर से टेलर हो या पिकअप हो या हाईवा हो कैसे लोडिंग किया जाता है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को बता दूँ जैसा कि आप देख सकते हो फिर से मशीन को ले गया सीधा पॉइंट पे, उसके बाद यहाँ पे लोडर लगाया, जैसे ही लोडर लगाया उसके बाद हौली हौली मशीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि लोडर को भरा जा रहा है और लोडर जैसे ही भर जाएगा फिर से पिकअप के पास ला करके वहाँ पे बकेट को खोल देना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अगर लोडर का अगर फ्यूचर अगर पता है, लोडर का लीवर का बारे में पता है कि क्या चीज़ से क्या होता है, लीवर को किधर करने से क्या होता है, तो आप लोग भी बिल्कुल आसान तरीका से लोडर से आप लोग कुछ भी लोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हौली हौली मशीन को आगे लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मशीन को आगे लेके जा रहा है, लोडर में जो है दीवार जो है लोड हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोडर को कैसे खोलेंगे, देखो हल्का उठाया, यहाँ पे ध्यान देना हल्का उठाया और लोडर का बकेट खोल दिया, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही लोडर से पिकअप को भराई किया जाता है। जैसा ही गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा लोडर से रिलेटेड, तो आप लोग ध्यान से देखिए, देख सकते हो उस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीका से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं गीला मिट्टी वाला लेके आया हूँ, हल्का हल्का नमी है मिट्टी में, ठीक है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो लोडर को हौली हौली उठाया जा रहा है, उठाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद लोडर को खोल दिया और पिकअप में जो है मिट्टी जो है भरा जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है गाइस, देख सकते हो बिल्कुल बैक आया, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पे लोडर को खोल दिया, उसके बाद फिर से बैक गया, ठीक है। बैक जाने के बाद कैसे सीधा पॉइंट से लगाना है वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हो आगे मशीन को किया और लोडर को सीधा उल्टा करके सीधा से रख करके हल्का कॉर्नर को उठाया है और मशीन को हल्का हल्का आगे देख सकते हो हल्का हल्का लोडर मोड़ रहा है, जैसे जैसे भरता जा रहा है वैसे वैसे लोडर को मोड़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मोड़ा उसके बाद रिवर्स लगाया, रिवर्स लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है, रिवर्स लगाया उसके बाद मशीन को बैक
किया जा रहा है। जैसे ही रिवर्स लगाने के बाद बैक लिया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं लोडर हौली हौली ऊपर उठाया जा रहा है, बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देख सकते हो जितना ही उठाना है, जितना ही ज़रूरी है उतना ही उठाओ, ठीक है। उठा दिया, उसके बाद हौली हौली लोडर को खोला जा रहा है, ठीक है। देख सकते हो लोडर को खोला और हौली हौली भराई करते जा रहा है। एक ही बार आप खोल दोगे तो वो बाहर गिर जाएगा, कहीं गिर जाएगा, तो इससे अच्छा होता है हौली हौली खोलना, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को फिर से मैं दिखा दूँ, फिर से बैक लिया मशीन को, ठीक है। लोडर हौली हौली नीचा हुआ जा रहा है, ऐसे ही लोडिंग किया जाता है। अब इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँ कहीं पर अगर आप लोगों को अगर लोडर से अगर मिट्टी को अगर साइड करना होता है तो कैसे करोगे, लेवल से कैसे लगाओगे, या इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसा ही देख सकते हो लोडर में मिट्टी भर चुका है, ठीक है, और इसको जा रहा है दूसरी जगह रखने के लिए। तो देख सकते हो लोडर उठाया, क्योंकि वहाँ पे लग जाता जो मिट्टी का जो ढेर बना हुआ है उसमें लग जाता है, इसीलिए लोडर को उठा करके फिर से लाया। यहाँ पे देख सकते हो लेवल से यहाँ पे लगाया लोडर को, ठीक है। मैं ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो लोडर लगाया और देख सकते हो फिर से लोडर में मतलब मिट्टी को भरा बिल्कुल बढ़िया तरीका से। और यह मशीन मैं आप लोगों को बता दूँ 4x4 है, मेरे कहने का मतलब इस मशीन का चारों चक्का ताकत देती है, यानी कि जैसे कि पीछे वाला जो 2 व्हील मशीन होता है उसमें पीछे वाला ही चक्का मदद देता है, और जो 4x4 होता है उसमें आगे का भी चक्का ताकत लगाती है। कैसे मैं बताता हूँ, उसमें 4 व्हील बटन का ऑप्शन आता है। अगर 2 व्हील करके रखोगे तो सिर्फ पीछे का चक्का टान देगा, अगर 4 व्हील कर देगा तो आगे का भी चक्का टान देता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर 4 व्हील मशीन पे अगर जाना चाहते हो, आप लोग को उसमें आप लोगों को 4 व्हील का स्विच मिल जाएगा, जो बटन होता है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो फिर से रिवर्स लिया और उस साइड मिट्टी को रखा जा रहा है। हालांकि एक और वीडियो मैं दिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी अदर कंट्री का है, सऊदी का वीडियो है। और ये जो जिसमें जो मिट्टी डाल रहा है ना, सऊदी में क्या होता है, जैसे कि विदेश में क्या होता है, तो जो बिजली वाला जो वायर होता है वो धरती तर में ही रखता है, मेरे कहने का मतलब ज़मीन के अंदर ही से ही वायरिंग हुआ रहता है जो बिजली का होता है। जैसा कि अपने लोगों में पोल होता है, पोलिंग किया करवाया रहता है, इसमें सऊदी अरब में ज़्यादातर नीचे ही होता है बिजली वाला कनेक्शन, ठीक है। तो उसी का कनेक्शन का भराई किया जा रहा है। तो आप लोग को बता दूँ कैसे, पहले तो इसको पाइपलाइन जैसे मतलब खोदाई कर लिया हुआ है, अब इसमें पाइप भी डाल दिया होगा, जो भी इसका बिजली का कनेक्शन होगा या कुछ भी होगा, इसको कैसे भरा जाएगा ये मैं बताता हूँ। इसमें खास वजह ये है कि यहाँ पर ध्यान देखना, आधा लोडर उठाया, हल्का उठाया और हौली हौली डाला। हौली हौली डालने से क्या होगा, तो मिट्टी धीरे धीरे उसमें बराबर से मिट्टी बैठेगा और एक ही बार लोडर भर करके एक ही बार डायरेक्ट जाने देगा। हालांकि एक बार में भी हो जाएगा पर वह ज़्यादा मजबूती नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दे देना, देखो हल्का उठाया और हौली हौली डाल रहा है। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से JCB का लोडर से आप चार चक्का को जो 4 व्हीलर होता है उसको उठा करके साइड में कैसे लेके जाओगे, वो भी बिल्कुल आराम से। तो इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा। यह वीडियो केवल हेल्पर भाई लोगों के लिए है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ताकि वो भाई लोगों को नहीं पता रहता, क्योंकि नया नया मशीन सीखा रहता है और उसके सामने अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कभी भी तो वो कैसे मशीन से ऐसा वर्क कर सकते हैं, इसीलिए यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और लोडर के बारे में तो बहुत सारे भाई को पता नहीं रहता है, इसीलिए यह वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग चैनल को प्यार दीजिए और भाई को भी प्यार दीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भाई नए मशीन सीख रहे उन लोगों को यह वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ओके तो गाइस यहाँ तक अपना वीडियो था, जय हिंद।